नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो केवीएस के लिए हमने क्या है ईवीएस का शुरू कर दिया था चैप्टर। वैसे तो हमने ईवीएस के 18 पार्ट पहले डाल रखे हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो हमने बताया था कि स्पेशल दे रखा है केवीएस के अंतर्गत प्रदूषण का चैप्टर, जो कि प्रदूषण का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी के अंतर्गत उसने दे रखे हैं। तो हमने जो पहला पार्ट था कर लिया था कि प्रदूषण क्या होता है या उसके प्रकार क्या होते हैं, ये सभी हमने कर लिए थे। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में भी आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगा। अब उसके बाद कौन सा आएगा, हमारा वायु प्रदूषण आएगा। तो आज का चैप्टर रहेगा हमारा वायु प्रदूषण। चलो शुरू करते हैं, क्या रहेगा आज के चैप्टर का नाम, वायु प्रदूषण। जो खाली प्रदूषण है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ सके थे। अब इससे पहले क्या आता है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है ये आप सभी को पता है कि भाई जो वायु गुणवत्ता होती है उसके अंतर्गत जो प्राकृतिक वायुमंडलीय परिस्थितियाँ मिलकर क्या कर देती हैं, वायु को प्रदूषित बना देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। वायुमंडल की जो प्राकृतिक परिस्थिति जो बोली मैंने, किस प्रकार से, देखो वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से है, वायु प्रदूषण तो पता चल गया, तो वायुमंडल की एक बार संरचना देख लेते हैं। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना में देखो नाइट्रोजन कितना होता है, 78.09%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है, 20.95%। आर्गन कितना होता है, 0.91%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है वायुमंडल के अंतर्गत, 78.09%, ठीक है। मैंने सभी का पहला पहला अक्षर लिख दिया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.91% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। यहाँ तक बात सभी के समझ में आ गई। अब बात आती है कि वायु प्रदूषण के प्रकार। अब भाई वायु प्रदूषण के तीन प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण के प्रकार तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहला प्राकृतिक प्रदूषक, देखो प्रदूषक भी मैंने बताया था प्रदूषक क्या होता है पिछली वीडियो में। दूसरा आता है प्राथमिक प्रदूषक, और थर्ड आता है कणकीय पदार्थ, कणकीय पदार्थ। अब प्राकृतिक प्रदूषक, जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसके अंतर्गत बता चुका हूँ। प्राथमिक प्रदूषक जिसने नहीं देखी है ये भी उसमें बता चुका हूँ, जिसने देख रखी है तो अच्छी बात है। तो जिसने नहीं देखी है ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको देख लेना, ये आपस में रिलेटेड होते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं सीधा ये प्राकृतिक और प्राथमिक तो करवा चुका हूँ, अब डायरेक्ट सीधा किस पर आता हूँ, कणकीय पदार्थ पर आता हूँ। तो ये कणकीय पदार्थ वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं और कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके अंतर्गत कणकीय पदार्थ, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि वे ठोस कण या तरल बूंदे के बनते हैं। ये किस प्रकार के बनते हैं, ये ठोस कणों या फिर कोई तरल बूंद होती है लिक्विड, ठीक है, उनके बनते हैं। इनके छोटे छोटे होने के कारण ये वायु में क्या है, हमेशा तैरते रहते हैं, ठीक है, क्या है, हमेशा वायु में तैरते रहते हैं। या फिर ये भी बोल सकता हूँ ये ठोस कण या एरोसोल के बने होते हैं, किसके, एरोसोल के बने होते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल लिख सकता हूं, ये एरोसोल के बने होते हैं, ठीक है, एरोसोल के बने होते हैं, बने होते हैं। अब पेपर में डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है एरोसोल क्या होता है, तो एरोसोल मैंने बताया भी अभी क्या होता है कि हवा में लटके ठोस या तरल कणों को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। देखो इसको लिख भी सकते हैं एरोसोल, हवा में, ठीक है, लटके ठोस या तरल कणों को एरोसोल कहा जाता है, ठीक है।
तो सिंपल कणकीय पदार्थ मैंने क्या बोला, कणकीय जो पदार्थ होते हैं वह एरोसोल के बने होते हैं। एरोसोल क्या होते हैं, जो हवा में लटके हुए ठोस हो गए या तरल हो गए उन कणों को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, धुआं हो गया, धूल हो गई, तंतु हो गया, कीटनाशक हो गया, आप इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं कणकीय पदार्थ के। देखिए देखो, धुआं ठीक है, धूल और वही कीटनाशक, ये सभी इसके उदाहरण आ जाएंगे। कुछ धातु भी होती हैं, कुछ धातु के भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि मेटल्स के लिख सकते हैं आप पीबी हो गया, लेड, कॉपर हो गया, एफई हो गया, आयरन। तो इस प्रकार के ये सभी क्या है, ये हवा में क्या है, लटके रहते हैं छोटे छोटे कण जो, ठीक है। तो सिंपल सी बात बताई, प्रदूषण कितने प्रकार का बताया, वायु प्रदूषण 3 प्रकार का बताया, प्राकृतिक, प्राथमिक, कणिकीय है। प्राकृतिक प्राथमिक मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, जिस बच्चे ने नहीं देखा है देख सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया मैंने जो कणकीय पदार्थ होते हैं ये एरोसोल के बने होते हैं। फिर मैंने बताया एरोसोल क्या होते हैं, पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि एरोसोल क्या होते हैं, और 4 ऑप्शन में दिए हैं, हवा में लटके रहते हैं या जमीन पर या पानी में। तो ये डायरेक्ट याद रखना, क्या हवा में लटके ठोस या तरल कणों को क्या बोला जाता है, एरोसोल बोला जाता है। या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि इनके छोटे होने के कारण ये वायु में हमेशा क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं। कणकीय पदार्थ में ये भी याद रख सकते हो कि ये छोटे होने के कारण वायु में हमेशा तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने अभी तक जिक्र किया, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी उससे आगे आती है कि जो कणकीय पदार्थ होता है यह उत्पन्न किस प्रकार से होता है। तो कणकीय पदार्थ देखते हैं उत्पन्न कब होता है, उत्पन्न होना क्या कणकीय पदार्थ, हम नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, अगर इन सभी का दहन हो जाए तो उस समय पर ये क्या है, उत्पन्न हो जाएगा। इन सभी का दहन होना, दहन होने के फल स्वरूप ये क्या है, उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। किसके, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, अगर इन जो पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, कोयले पदार्थ हो गए, लकड़ी हो गई, इन सभी का अगर दहन हो जाता है तो क्या है, ये उत्पन्न हो जाते हैं। कौन उत्पन्न हो जाते हैं, कणकीय पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। कणकीय पदार्थ का मतलब क्या है कि वे ऐसे पदार्थ जो छोटे छोटे जो हवा में लटके रहते हैं और क्या बूंदों के बने होते हैं, वे कौन होते हैं, एरोसोल होते हैं, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो, ऐसे छोटे होने के कारण ये वायु में क्या हमेशा तैरते रहते हैं। सिंपल सी बात, आगे अब चलते हैं। जो कणकीय पदार्थ होता है वह 2 प्रकार का होता है। कणकीय पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। भाई कौन से प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। दूसरा क्या होता है, अधात्विक। कणकीय पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक, ठीक है। धात्विक किसको कहते हैं या उत्पन्न कब होता है धात्विक, देखिए जो औद्योगिक खनन होता है, औद्योगिक खनन निर्माण एवं धातु के शोधन के दौरान धात्विक उत्पन्न होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत बारीक कण आते हैं, धात्विक के अंतर्गत बारीक कण आते हैं। कौन से कण आते हैं, बारीक कण। बारीक कण का मतलब आप क्या समझते हो, देखो सिंपल सा है, शीशा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, कैडमियम हो गया, कैडमियम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, धात्विक के अंतर्गत आते हैं। कई बार बच्चे पूछते भी हैं सर ये कैडमियम क्या होता है, तो मैं एक बार इस कैडमियम के बारे में बता देता हूँ, अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो सिंपल, अब तक क्या बताया,
कि जो कणकीय पदार्थ है वह दो प्रकार का होता है। उत्पन्न कब होता है कणकीय पदार्थ? जब कोयला, पेट्रोलियम अगर ऐसे पदार्थों का क्या है, दहन हो जाएगा तो कणकीय पदार्थ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और यह दो प्रकार का होता है, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। धात्विक क्या होता है? धात्विक के अंतर्गत जो बारीक कण होते हैं, बारीक कण आते हैं। बारीक कण का मतलब क्या है? सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, कैडमियम, ठीक है। अब बात चल रही है कैडमियम की। कैडमियम क्या होता है? ये कण श्वसन, मतलब कि सांस, ये कण श्वसन विष की तरह क्या है, काम करते हैं। मतलब कि जो हमारा सांस है, एक प्रकार से उसमें क्या है, जहर का काम करते हैं। कैसे? क्योंकि इससे क्या है, जो हमारे हृदय होता है उसके अंतर्गत हृदय संबंधी क्या है, रोग हो जाते हैं, या फिर ये भी बोल सकता हूँ जो रक्त दाब है ये उसको बढ़ा देता है, ठीक है। आप लिख लो, क्या लिखो कैडमियम के बारे में, कि जो कैडमियम होता है, ये कैडमियम के जो कण होते हैं ये श्वसन विष की तरह क्या है, कार्य करते हैं। श्वसन विष का मतलब क्या है, कि जहर की तरह एक प्रकार से काम करते हैं सांस के अंतर्गत, ठीक है। और ये अगर देखो, अब सांस लेते वक्त जहर का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हृदय पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कैडमियम के कारण जो रोगी होता है कैसा होगा, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएगा, और हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, रक्त दाब को बढ़ा देता है। तो लिख लो, कैडमियम से हृदय संबंधी रोग हो जाता है और यह रक्त दाब को क्या है, बढ़ा देता है या बढ़ाते हैं। तो ये बात थी धात्विक के बारे में, ठीक है। अब बात आती है अधात्विक के बारे में। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है जो हवा में परिवहन रहता है, मौसमी दशाएं। देखो, मौसमी दशाएं जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूं, सिलिका, धूलकण, जीवाश्म ईंधन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। सिलिका, धूलकण, जीवाश्म ईंधन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? धात्विक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक पॉइंट, इसके अंतर्गत भी लिख लो आप, क्या मैं बोलता हूँ आप लिख लेना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा कि अगर देखो, आपने कई बार देखा होगा जो पत्थर की कटाई करते हैं या पिसाई करते हैं, पत्थर की कटाई करते वक्त या पिसाई करते वक्त या फिर पिसाई करते वक्त जो उनके अंतर्गत कण चले जाते हैं, कौन से कण जाते हैं? सिलिका के कण जाते हैं। अगर हम पत्थर की कटाई करेंगे या उनकी पिसाई करेंगे तो व्यक्ति के अंतर्गत कौन से कण चले जाएंगे? सिलिका के कण अंदर चले जाएंगे, सिलिका के कण। तो जो सिलिका कण है वह व्यक्ति के अंतर्गत क्या है, जाकर जमा हो जाते हैं। और सिलिका के कण अगर व्यक्ति के अंतर्गत जमा हो जाएंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? क्षय रोग जैसी उसको बीमारी हो जाएगी। कौन सी? क्षय रोग जैसी उसको बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं पेपर के लिए। क्या प्रश्न? सबसे पहला प्रश्न तो डायरेक्ट यही पूछ सकता है पेपर में कि बताइए, पत्थर की कटाई और पिसाई करते समय व्यक्ति के अंतर्गत कौन से कण अंदर चले जाते हैं? तो कौन से कण अंदर चले जाते हैं? सिलिका के जो कण होते हैं वह अंदर चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि पत्थर की कटाई करते समय या पिसाई करते समय व्यक्ति को कौन से रोग हो जाते हैं? तो कौन से रोग हो जाते हैं? जो क्षय रोग है वह रोग हो जाता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान बताया, कोई बड़ी बात नहीं बताई। तीन चीज़ें बताई हैं यहाँ तक, आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखना है कणकीय पदार्थ क्या होता है, भाई वे ऐसे ठोस कण जो तरल बूंदों के साथ बने रहते हैं और उनके छोटे होने के कारण वे क्या है, वायु में हमेशा तैरते रहते हैं। तरल बूंदों के कारण मतलब क्या है, एयरसोल। एयरसोल को याद करना है, डायरेक्ट पेपर में पूछता है। एयरसोल क्या होता है, जो हवा में लटके ठोस या तरल कणों को हम क्या कहते हैं, एयरसोल बोलते हैं। फिर मैंने बोला यह उत्पन्न कब होता है कणकीय पदार्थ, जब भाई किसी लकड़ी का, पेट्रोल का, कोयले का, अगर इस प्रकार के पदार्थ का अगर दहन कर दिया जाए तो यह क्या है, एक प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। फिर मैंने बोला भी कणकीय पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, भाई धात्विक होता है, अधात्विक होता है। धात्विक के अंतर्गत जो बारीक कण होते हैं वह आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट यही पूछेगा, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, कैडमियम। कैडमियम क्या होता है? कैडमियम से व्यक्ति के हृदय संबंधी रोग हो जाता है, ठीक है, समझ गए, और उसका रक्तदाब क्या है, बढ़ जाता है,
ठीक है। अरे धातु के अंतर्गत जो धूल कण हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गया, सिलिका हो गई, ये सभी चीज़ें आती हैं। और इसके अंतर्गत जैसे कि सिलिका इसके अंतर्गत ही आएगी, क्यों? क्योंकि पत्थर की कटाई करते समय, पिसाई करते समय व्यक्ति के अंतर्गत जो सिलिका के कण है वे जमा हो जाते हैं, और सिलिका के कण जमा हो जाएंगे तो व्यक्ति को बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्षय रोग जैसी उसको बीमारी हो जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी व्यक्ति के डाउट क्लियर है, ठीक है। एक पेपर में अक्सर पूछा जाता है, नोट डाल के लिख लो, DTT, इसकी कई बार फुल आपने सुन रखा होगा, फुल फॉर्म लिखनी जरूरी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो ठीक है, और इथेन, ठीक है। ये हुई इसकी फुल फॉर्म। इसके बारे में एक चीज लिखो, यह विश्व का सर्वप्रसिद्ध रासायनिक यौगिक है। DDTT क्या है? यह विश्व का सर्वप्रसिद्ध क्या है? रासायनिक यौगिक है। रासायनिक क्या है? यौगिक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा तो चार ऑप्शन दे देगा, बताइए विश्व का सर्वप्रसिद्ध रासायनिक यौगिक क्या है? क्या है? DDT जो है यह क्या है? विश्व का सर्वप्रसिद्ध रासायनिक यौगिक है, ठीक है। जो अगली बात करवा रहा हूँ, जो अगला जो टॉपिक करवा रहा हूँ, वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है क्या बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनी माता रोग, आपने सुना होगा पहले, बहुत सुन रखा है, तो आज मैं इसकी आपको डिटेल ही करवा देता हूं। मिनी माटा रोग, ठीक है, मिनी माटा रोग। सबसे पहली बात तो मिनी माटा रोग होता क्या है भाई? जो पारा होता है ना, पारे के विषैलेपन के कारण से मिनी माटा रोग होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? पारे के विषैलेपन, ठीक है, से क्या है? मिनी माटा रोग होता है। मिनी माटा रोग होता है, सिंपल। पारे के, अब पेपर में यही पूछेगा क्वेश्चन, मिनी माटा रोग कैसे होता है? पारे के कारण होता है, तो ऑप्शन में पारा आएगा तो पारा लगा देंगे, ठीक है, इसके वैशाल्यपन के कारण, ठीक है। अब बात आती है जो लक्षण होते हैं वह बताइए। अब मिनी माटा रोग के लक्षण क्या होंगे? सबसे पहली बात आप लिख लो, मैं बता देता हूँ भाई। शुरू में क्या होगा? शुरू में व्यक्ति के होठ हो गए, जीभ हो गई, वे सुन पड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि एक प्रकार से काम करना बंद कर देंगी, लकवे की तरह आपको लगने लगेगा। क्या? पहला पॉइंट आप लिख लो, इसके लक्षण क्या है पहचानने के, कि शुरू शुरू में व्यक्ति के क्या हुई? जीभ हुई, होठ हुए, वे एक प्रकार से सुन, मतलब कि एक प्रकार से काम करना बंद की आपकी तरह दिखाई या लग जाएगा या महसूस होने लग जाएगा। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ कि इसके अलावा फिर क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति की आंखें हैं उसमें भी धुंधलापन आ जाएगा, साफ दिखाई नहीं देगा, तो धुंधलापन सा महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा लक्षण यह है कि यह बीमारी मस्तिष्क को क्या, हमारे दिमाग को क्या है, नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति का क्या है, मृत्यु होनी संभव हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लक्षण मैंने क्या बताए, ध्यान से लिख लो कॉपी में, या नहीं लिखा हो तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लक्षण मैंने क्या बताए कि शुरू शुरू में व्यक्ति के क्या होते हैं भाई? होठ हुआ, ठीक है, जीभ हुई, ये एक प्रकार से क्या होते हैं? सुन होना शुरू हो जाते हैं, लकवे की तरह काम या काम करना बंद कर देते हैं। नंबर दो पॉइंट मैंने क्या बताया इसका पहचानने का, या लक्षण क्या बताया कि भाई जो आँखें होती हैं उसमें भी क्या है, धुंधलापन महसूस होने लग जाता है। नंबर तीन मैंने क्या बताया, इस रोग में व्यक्ति का क्या है, मस्तिष्क पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये आप लिख लो, मिनी माटा रोग के लक्षण मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये देखते हैं मिनी माटा रोग कहाँ से आया, कब आया, किस प्रकार से आया, ठीक है। तो बात आती है आगे भाई, जो मिनी माटा रोग है यह एक प्रकार की क्या है, बीमारी बन चुकी है। तो जो यह बीमारी है सबसे पहले 1950 के अंतर्गत प्रकाश में आई। कब आई सबसे पहले? 1950 के अंतर्गत प्रकाश में आई, ठीक है।
इस बीमारी का मुख्य कारण क्या था कि जापान का जो सबसे पहले यह कहाँ पर आई थी, जापान में आई थी। तो जापान में किस कारण आई कि जापान में जो प्लास्टिक उद्योग था और जो समुद्र तट, जो जापान का समुद्र तट था उस पर यह स्थापित किया गया था, या वहाँ पर यह आई थी 1905 में स्थापित किया गया था। देखो जापान के अंतर्गत जो प्लास्टिक उद्योग है वह 1905 में स्थापित किया गया था। तो उसके कारण क्या हुआ, उस उद्योग का जो उत्पाद पारा था वह समुद्र में जाकर मिल जाता था, और जो पारा है वह समुद्र में जाकर मिल जाएगा तो वह पारे से कौन सा रोग हो जाता है, पारे का अगर वैशालापन हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, मिनीमाता रोग हो जाएगा। और मिनीमाता रोग इसलिए जापान के अंतर्गत यह शुरू हुआ और 1950 के अंतर्गत यह प्रकाश में आई, और जो उन्होंने उद्योग लगाया था वह 1905 में लगाया था। ध्यान से सुनो, देखो मिनीमाता रोग 1950 में कहाँ पर, जापान में, ठीक है। और 1905 में क्या हुआ, 1905 में जापान ने जो पारा उद्योग है वह लगाया, और जो पारा उद्योग है वह लगाया तो उसका जो वैशालापन था वह क्या क्या होता था भाई, समुद्र में जाकर क्या है, मिल जाता था। तो समुद्र में जाकर मिल जाता था तो इस प्रकार यह चलता रहा। तो अब पारे का जो वैशालापन किस बीमारी के कारण होता है, तो पारे का वैशालापन मिनीमाता रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर क्या है, मिनीमाता रोग हो गया। समझ गए, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। सिंपल पेपर में ये पूछेगा मिनीमाता रोग किस कारण होता है, पारे के वैशालेपन के कारण होता है। लक्षण क्या होते हैं बता दिए, कहाँ पर हुआ सबसे पहले जापान में हुआ, कब प्रकाश में आया 1950 में प्रकाश में आया, ये चीज आपसे नहीं पूछेगा कि उद्योग कब लगाया गया या कब स्थापित किया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, मेरे ख्याल से मिनीमाता का भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं वायु का अधिनियम। देखिए नेक्स्ट आता है भाई वायु अधिनियम, वायु अधिनियम, कब हुआ, 1981 में हुआ। सबसे पहली बात तो वायु अधिनियम 1981 में हुआ, इसका जो वायु अधिनियम बनाने का या तैयार करने का क्या उद्देश्य था भाई, इसका उद्देश्य था कि जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करना या निवारण करना, या फिर अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है या फिर उल्लंघन करता है तो उसको क्या है, कानून के द्वारा सजा दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही याद रखो आप, जो वायु अधिनियम है कब हुआ, 1981 के अंतर्गत हुआ, उसका लक्ष्य क्या था कि प्रदूषण पर नियंत्रण बनाना या निवारण करना, ठीक है। यहाँ पर या फिर ये भी लिख सकता हूँ मैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत वायु के प्रदूषण को क्या है, रोकने का प्रयास करना था या प्रावधान करना था। लिख लिया भाई या लिख के बताऊँ, देखो लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लो जिस प्रकार से समझ जाओ। प्रदूषण पर नियंत्रण या निवारण करना, आप ये भी लिख सकते हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि जो वायु प्रदूषण है उसको रोकने का प्रयास करना था या प्रावधान था, रोकने का प्रावधान था। आपको बस दो चीज़ याद रखनी है, वायु अधिनियम कब हुआ, 1981 में हुआ, कब हुआ, 1981 में हुआ। इसका मतलब क्या था, अब वायु अधिनियम है तो सिंपल सी बात है भाई, वायु के प्रदूषण को रोकना है, ठीक है। यह अगर धारा भी पूछे इसके अंतर्गत धारा भी बता सकते हो आप, वैसे इतना डीप में जाएगा नहीं, फिर मैं बता देता हूँ 21 और 22, धारा 21 और 22 के अंतर्गत यह था, ठीक है। 1900 फिर क्या हुआ, इसके बाद 1987 में, 1981 में वायु अधिनियम बनाया गया, इसके बाद क्या हुआ 1987 में वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण भी क्या है, शामिल कर लिया गया 1987 के अंतर्गत। 87 में वायु प्रदूषण में क्या, ध्वनि प्रदूषण भी शामिल कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो पेपर में डायरेक्ट पूछेगा बताइए
किसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण शामिल कर लिया गया, ऑप्शन देगा आपको। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि वायु प्रदूषण के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण क्या है, शामिल किया गया। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा, बताइए कब किया गया, 1987 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि कब वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया, 1987 में किया गया। एक आपसे देगा 1987 के अंतर्गत वायु प्रदूषण के साथ किसको शामिल किया गया, ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया। ठीक है, और थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ, इतनी डिटेल में वैसे पेपर वाला जाएगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 20 के अनुसार, अनुच्छेद 20 के तहत जो मोटर गाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाले धुएं में जो प्रदूषण होता है उस पर नियंत्रण करने का क्या है, प्रावधान है। तो ये भी याद रख लो, अनुच्छेद 20 के अनुसार जो धुआं निकलता है उन पर नियंत्रण करने का क्या है, प्रावधान है। नियंत्रण करने का प्रावधान धुएं का। पेपर में अगर ये दे दे कि बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार जो हमारी मोटर गाड़ियां या मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं बोला गया है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 20 के अनुसार। धारा किसके अनुसार, 21 और 22 के अनुसार। कौन से अधिनियम के अनुसार, 1981 अधिनियम के अनुसार। तो ये चीज़ें आप सभी को क्या है, याद रखना है। अगर और डीप में जाओगे तो मैं थोड़ा और डीप में बता देता हूँ कि आर्टिकल 19 के अनुसार, क्या अनुच्छेद 19 के तहत जो राज्य बोर्ड है किसी भी क्षेत्र की वायु प्रदूषण नियंत्रित घोषित कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला मैंने कि 19 अनुच्छेद 19 में बोला गया है कि हमारा जो राज्य का, स्टेट का जो बोर्ड होता है वह जो किसी भी क्षेत्र है वहां पर अपना जो वायु प्रदूषण है उसको एक प्रकार से भाई नियंत्रण घोषित कर सकता कि इससे ज़्यादा क्या है प्रदूषण हो जाएगा तो उस पर हम कानूनी क्या है, अपराध कर देंगे। तो मतलब कि वह एक प्रकार से लिमिट सेट कर सकता है। तो यहाँ पर याद रख लो 19 में क्या बोला, राज्य बोर्ड क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताए पॉइंट जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, अगर एक पॉइंट और याद कर लो कि सबसे पहले पुणे में भारत का पहला जो सीएनजी ईंधन संयंत्र क्या है स्थापित किया गया या शुभारंभ किया गया, तो सबसे पहले कहाँ पर, भारत का पहला जैव सीएनजी संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया, पुणे में किया गया। कहाँ पर किया गया भाई, पुणे के अंतर्गत किया गया। कब किया गया, 13 अगस्त 2016 को। पेपर भी यही पूछ सकता है, सबसे पहला जैव सीएनजी संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, पुणे में किया गया। कब किया गया, 13 अगस्त 2016 को किया गया। ठीक है, पुणे कहां है, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, जैव सीएनजी में क्या था, जैव सीएनजी जो है इसमें क्या है, जो बायोगैस है उसका एक रूप से शुद्धतम रूप है। क्या रूप है, बायोगैस का शुद्धतम रूप है। ठीक है, जिससे सभी जो अशुद्धियां हैं उसके दूर करने के पश्चात 93% मीथेन गैस होती है। ठीक है, आप सभी को पता है बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है। तो इस जैव सीएनजी में क्या है, बायोगैस और बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन का मतलब CH4। ठीक है, यह कितने प्रतिशत है, यह इसके अंतर्गत जैव सीएनजी के अंतर्गत 93% है। ठीक है, समझ गए। जो गोबर गैस होती है उसमें भी कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। वैसे गैस तो ज़्यादा दो तीन होती है, कौन सी, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है। तो जो गोबर गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, मीथेन। तो ये भी लिख लो कि भाई गोबर गैस के अंतर्गत कौन सी गैस होती है, भाई मीथेन गैस होती है। गोबर गैस के अंतर्गत मीथेन गैस कितने प्रतिशत होती है, 60% होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए। तो एक चीज़ और लिख लो, जो LPG होता है, कौन सा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके अंतर्गत प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है,
और ब्यूटेन गैस होती है। तो इस प्रकार से हमने वायु प्रदूषण टॉपिक किया, बाकी हम नेक्स्ट में और करवाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।